दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे सूँगे स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम देखेंगे एक नोट्स को यह नोट्स बनाया गया है निहारिका पांडे जी के द्वारा निहारिका पांडे ने एक नोट्स बनाया है मैकाले का विवरण पत्र यानी कि मैकालेस मिनट्स पे बहुत ही अच्छा नोट है बहुत ही अच्छा नोट्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा भी है तो आइए जरा एक बार एक नोट्स को देखते हैं फिर उसके बाद हम इस नोट्स की के बारे में कुछ थोड़ी सी रिव्यू करेंगे अच्छा ये नोट्स का फायदा ये होता है क्योंकि एग्जाम्स में आपको अपने शब्दों में लिखना है तो जब कोई एक स्टूडेंट अपने शब्दों में इस तरीके से लिखता है तो आपको समझ में आ जाता है कि हमको इस टॉपिक पे कितना लिखना है अपने एग्जाम्स में कितना लिखना है हेडिंग कैसे बनाना है कितने शब्दों में लिखना है क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इस ये सब आपके लिए फ़ायदा हो जाता है तो नोट्स का मेन जो टॉपिक है दोस्तों वो है मेकाले का विवरण पथ जिसे अंग्रेजी में, में मेकालेस मिनट्स कहते हैं ठीक है तो देखिए इन्होंने कैसे लिखा है कि दस जून अट्ठारह को लॉर्ड मेकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानून सदस्य के रूप में भारत में आगमन किया ठीक है उस समय तक प्राच्य पश्चात विवाद उग्रतम उग्रतम रूप धारण कर चुका था चलिए ठीक है थीक। बैटिंग कौन थे भाई बैटिंग जो थे उस समय के गवर्नर जनरल उनको विश्वास था कि मेकाले जैसा प्रखंड विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता है इसी विचार से मेकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया गया फिर मैकाले को अठारह के आज्ञा पत्र की तैतालीसवीं धारा में अंकित एक लाख रुपए व्यय करने की विधि एवं अन्य विवादग्रस्त विषयों के संबंध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया गया ठीक है साथ ही साथ उसे समिति के मंत्री को प्राच्यवादी और पश्चातवादी दलों के, वक, के वक्तव्यों को मेकाले के पास भेजने को कहा गया अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक इन्होंने ये लिखा है कि मेकाले कानून के बहुत बड़े जानकार थे उनसे ये कहा गया कि एक लाख रुपए को व्यय करने की विधि और भी जो विवाद थे उनको सुलझाने के लिए कानूनी सलाह दीजिए और साथ ही साथ कहा गया जो प्राच्यवादी थे पश्चातवादी थे कि आप अपने बातों को मेकालय तक पहुंचाइए तो अभी तक यहाँ पे ये बात कही गई अब आइए मेकालय ने सर्वप्रथम आज्ञा पथ की उत्पारा के दोनों वक्तव्यों के सूक्ष्म अध्ययन किया ठीक है मेकालय ने भाई धारा था तैतालीस को अध्ययन किया और दोनों बातों को सुना फिर उसके बाद तर्कपूर्ण भाषा में उन्होंने तर्कपूर्ण भाषा में अपनी सलाह को प्रसिद्ध विवरण पत्र इसी को हम पढ़ रहे हैं प्रसिद्ध वी, विवरण पत्र को दो फरवरी अठारह सौ पैंतीस को बैटिंग के पास भेज दिया ठीक है भाई उन्होंने पढ़ा और उसको भेज दिया यहाँ तक इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था अब आइए धारा तैंतालीस की व्याख्या एक हेडिंग हो गई हमारे पास मेकालय ने अपने विवरण पत्र अठारह सौ के आज्ञा पत्र की तैंतालीसवीं धारा की व्याख्या निम्न प्रकार से की कैसे व्याख्या की एक लाख के बारे में उन्होंने कहा कि धनराशि को व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है अच्छी बात है वह इस धनराशि को अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार से व्यय कर सकती है ओके बिल्कुल सही साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी आते हैं और भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी और संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा के साहित्य के विद्वान भी आते हैं चलिए यहाँ तक लिखा गया कि एक लाख की धनराशि को बताया कि भाई सरकार पे कोई बंधन कोई प्रतिबंध नहीं अपनी इच्छा अनुसार खर्चा कर सकती है और साहित्य का मतलब केवल हिंदी हिंदी संस्कृत और अरबी के साहित्य नहीं अंग्रेजी के साहित्य और विद्वान का मतलब भारतीय विद्वान नहीं अंग्रेजी विद्वान भी सम्मिलित है यहाँ पर तीनों चीज़ की व्याख्या बहुत अच्छे से कर दी गई है इस प्रकार अरबी फारसी संस्कृत को अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकालकर मेकाले ने अंग्रेजी को उनकी अपेक्षा अधिक महत्व दिया ठीक है उसके अध्ययन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए अब अंग्रेजी के पक्ष में मैकाले ने क्या क्या तर्क दिए उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है अरबी एवं संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक है उपयोगी व व्यवहारिक है क्योंकि एक नवीन ज्ञान की कुंजी है तो इस सही बात है मैकाले ने यह तर्क दिया था जिस प्रकार लैटिन और यूनानी भाषाओं से इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोपीय भाषाओं का पुनर्थान हुआ उसी प्रकार से भारत का भी हो सकता है ऐसे लिखा हुआ चलिए उसी प्रकार से भारत का होगा अंग्रेजी से तो ये तर्क दिया था मैकाले ने ठीक है मेकाले इस देश के शासकों की भाषा है उन्होंने बताया अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है और उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है ठीक है ये तर्क उन्होंने दिया था समुद्री व्यापार की भाषा है मेकाल ने यह तर्क दिया था अंग्रेजी के पक्ष में भारतवासी अरब और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी की शिक्षा अधिक इच्छुक है उनको लगा मेकाल ने कहा था कि जो इंडियन है ना वो भी अंग्रेजी ही ज़्यादा बोलना चाहते हैं भारतवासियों को अंग्रेज का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमें इसी प्र इसी प्रकार काम करना चाहिए ठीक है अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा देश में ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रंग रूप से भारतीय होंगे लेकिन दोस्तों नैतिकता से वो अंग्रेजी होंगे तो ये तर्क के साथ उन्होंने मेकालय ने मेकालय ने क्या किया था विवरण पत्र दिया था और मेकालय ने अंग्रेजी के पक्ष में ये सब तर्क दिए थे अब मेकालय के विवरण पत्र का क्या प्रभाव पड़ा इन्होंने अगला हेडिंग डाला और उसके प्रभाव के बारे में लिख दिया कि इससे क्या प्रभाव पड़ा भाई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल महाविद्यालय शुरू हो गए ठीक है मजबूती इनका विकास बहुत तेज होने लगा और यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश की मूल प्रणाली बन गई ठीक है अंग्रेजी को सरकारी कार्यों की भाषा मान ली गई सही बात है ठीक है अंग्रेजी भाषा के पक्ष में इतने ठोस सुझाव दिए अंग्रेजी भाषा का महत्व तो बढ़ गया सही बात है इससे भारत में शिक्षा में प्रभाव पड़ा सरकार ने एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें यह निर्देश दिया कि सरकारी नौकरी में अंग्रेजी भाषा ज्ञान रखने वालों को वरीयता दी जाएगी ठीक है और वर्तमान सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य बन गई और अभी भी अनिवार्य तो ये बात सही है कि उससे ये प्रभाव पड़ा कि उस समय अंग्रेजी को वरीयता दे, दे दी जाने लगी तो इस तरीके से मेकालय का शिक्षा पर प्रभाव पड़ा ओवरऑल बहुत ही अच्छा नोट्स बनाए परफेक्ट नोट्स बनाए जितना चाहिए था उतना नोट्स बनाए और बहुत ही अच्छा नोट्स बनाए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे टिप्पणी कर दूँगा टिप्पणी करने में मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे पहली बात यह है कि मैं मानता हूँ कि ये मिस्टेक है कोई बड़ी गलती नहीं mistake है मिस्टेक है मिस्टेक ये है कि शायद 10 जून 1835 को नहीं बहन 10 जून 1834 को क्योंकि 35 में तो उन्होंने दिया ही था ना तो शायद 34 को इंडिया में आए थे तो 34 यहाँ पे पहली चीज़ तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है इट्स नॉट अ बिग टी यहाँ पर जो है कि उसके अध्ययन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क ये एक नई हेडिंग बना दीजिएगा कि अंग्रेजी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क ठीक है क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो हेडिंग पढ़ के ज़्यादा चेक करता है ठीक है तो अंग्रेजी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए अब आपको ऐसे लिखना है चौंतीस से शुरू करिएगा ठीक है इसमें अगर कुछ कम होता है तो कम कर लीजिएगा अदरवाइज इतना लिख सकती हैं तो लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में आपको टाइम भी मैनेज करना है पेजेस भी मैनेज करना है राइट और आपको सारे क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करनी है तो ये परफेक्ट है ठीक है और यहाँ पे भी परफेक्ट है धारा तत्तालीस की व्याख्या ठीक है और अगर आप एक और हेडिंग अगर बढ़ाना चाहें कि भारतीय साहित्य की व्याख्या और और एक अगला हेडिंग बन जाएगा कि भारतीय विद्वान की व्याख्या बाकी ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं लेकिन यहाँ पे एक और हेडिंग जरूर ऐड कर दीजिएगा कि अंग्रेजी के पक्ष में उनका क्या तर्क था बाकी ओवरऑल परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं जब अच्छा बना है बहुत ही अच्छा बना है कम शब्दों में और काफ़ी आप, आपने लास्ट में लिख दिया कि मेकाले का विवरण पत्र का प्रभाव ठीक है कम्प्लीट है इसमें आप लॉन्ग आंसर भी कर सकती हैं शॉर्ट में भी कर सकती हैं लेकिन जब आप शॉर्ट में करेंगे तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि और कम कर दें लिखना क्योंकि इतना ज़्यादा लिखते लिखते थक जाएंगे आप पेपर और समय दोनों मैनेज करना है ठीक है और अगर लॉन्ग में अगर लॉन्ग में एक टॉपिक और अगर इसमें ऐड कर दें जैसे यहाँ पे इसके बाद अगर एक टॉपिक और ऐड कर दें कि मेकाले के विवरण पत्र की आलोचना या फिर दोष आलोचना में आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया उनका जो विवरण पत्र था वो पश्चातवादियों की तरफ था ठीक है पश्चातवादियों के पक्ष में उनका विवरण पत्र था और भारतीय भाषाओं की उन्होंने उपेक्षा की भारतीय विद्वानों की उपेक्षा की अंग्रेज़ी का ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया भारतीय धार्मिक और भारतीय संस्कृति को उन्होंने कम महत्व दिया तो इस तरीके से अगर इनकी थोड़ी सी आलोचना एक हेडिंग डाल कर लिखना चाहती हैं तो लिख सकती हैं बाकी ओवरऑल एक कंप्लीट और एक बेहतरीन नोट्स था बाकी दोस्तों अगर आप भी अगर आप भी ये नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको आप यहाँ से स्क्रीन ले लीजिएगा ठीक है बेहतर होगा अगर आप स्क्रीन ले ले लें बाकी अगर जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं मैं उनको ग्रुप से ओके बाकी जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं दोस्तों मैं उनको श्योर भेज दूंगा ग्रुप में ग्रुप से भी आपको यहां से मिल जाएगा ख़त्म करें खत्म करें ये रहा ओके परफेक्ट लेकिन यहां पे आप लोग अठारह कर लीजिएगा क्योंकि पैंतीस में विवरण पत्र आया था चौंतीस में ही चलिए ठीक इस वीडियो को फिलहाल इतना ही मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल से जुड़े लोगों की तरफ से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी तरफ से नहीं आ आपको थैंक यू सो मच बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए ऐसे ही नोट्स बनाइए और टॉपिक भी आप मुझे भेजिए मैं उसको रिव्यू करूंगा और एक खास रिक्वेस्ट जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप भी नोट्स बना सकते हैं तो प्लीज़ बनाइए चाहे सेम टॉपिक को बनाइए चाहे कैसेज बनाइए मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि अगर आपके तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा तो तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में बात करेंगे किसी नए टॉपिक पर पढ़ेंगे या कोई नोट्स रिव्यू करेंगे लेकिन जरूर बात करेंगे ठीक है तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही एक बार फिर से थैंक यू सो मच नोट्स बनाने आने के मिलेंगे अगले वीडियो में तब तो तक तो का तो खूब ख्याल रखिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए कमेंट में अपनी राय प्रती है जरूर दे जय हिंद जय भारत